हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। और इससे पहले की एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को, राइट। तो चलिए, दो कॉन्सेप्ट है, इस दो कॉन्सेप्ट में आपकी एक्सरसाइज डिपेंड है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से फील के साथ ग्रैप करना है। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों बातें को समझना है। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर को अगर मैं आपको समझाऊं तो इस फिगर से ध्यान से समझिए। देखो, असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है। तो अब यहां पे देखिए, ये छोटा सा घर है, उसके बाद उससे बड़ा घर है, फिर उससे बड़ा घर है, फिर उससे बड़ा घर है। तो अगर कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोल देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ये लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा ना आपको, यस ओके। तो ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमेशा याद रखना, स्मॉलर टू बिग होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल टू बिग कह दीजिए या स्मॉलर टू बिग कह दीजिए। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हुआ, राइट ओके। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर में ध्यान से दीजिए, ये जो डॉग है यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ रहा था ना, यहाँ पे देखो ये डॉग जो है ऊपर से नीचे जा रहा है। तो पहले बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब क्या होगा बच्चों, यहां की अगर मैं बात करूं तो बिग टू स्मॉल होगा। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात होती है तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू, फिर उसके बाद क्या होता है, स्मॉल वैल्यू आएगा, है ना, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, यानी बिग टू स्मॉल आप याद कर ले, ठीक है। डिसेंडिंग में क्या होगा, बिग टू स्मॉल होगा, क्लियर। और असेंडिंग में क्या होगा, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। ये दो कॉन्सेप्ट है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए, स्मॉल टू बिग असेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अब इस पे आपको क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 1.5 की अगर मैं बात कर लूं तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखे, देखो, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या, स्मॉल टू बिग होता है, है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, स्मॉल टू बिग। तो आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको फोर वैल्यूज दे रखा है और इसको असेंडिंग में अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बच्चों ए, और लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर ए ओ लिखता हूं, समझ में आ जाएगा ना, ए से असेंडिंग, ओ से ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू आपको ध्यान देना है। तो सबसे छोटा वैल्यू जो है बच्चों 33 है, फिर उसके बाद 34 है, फिर 35 है और 37। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्लियर। इसी तरीके से आप यहां पे भी लिख सकते हैं, सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या दिख रहा है, 23 है, 23 लिख दीजिए, फिर 32 है, फिर 82 है, फिर 88 है। तो इस तरीके से अगर फॉर्म होता है तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिग जा रहा है, क्लियर। चलिए, अब इसमें सी में भी दे रखा है बच्चों, कई क्वेश्चन दे रखा है जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब यहां पे देखो, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 46 ही है, इसके बाद क्या है बच्चों, 67 है, ठीक है, फिर 78 है, फिर क्या है, 84 है। तो ये आपका स्मॉल टू बिग हो गया, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब यहां पे देखिए, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 11 है, इससे बड़ा 15, फिर क्या है बच्चों, 51, फिर क्या है, 55। तो ये देखो, स्मॉल टू बिग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ए ओ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब ई में देखो, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे 40 है, तो 40 लिखिए, फिर क्या है, 53 है, फिर 57 है, और फिर 75 है। तो ये क्या है, स्मॉल टू बिग हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब यहां पे देखें तो सबसे छोटा क्या है, 30, फिर 37, फिर 63, फिर क्या है, 76। तो स्मॉल टू बिग हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए करवाए बच्चों, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, क्लियर ओके। अब देखो, इसके सेकेंड पार्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था बिग टू स्मॉल होता है, जस्ट उल्टा होता है बच्चों, है ना। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा यानी डिसेंडिंग है, तो यहाँ पे डी ओ लिख देंगे बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है इसमें, 73 है, ठीक है, फिर 53 है, फिर 43 है, फिर 33 है ना। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया।
डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डी ओ लिख दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल हो गया, बिग टू स्मॉल हो गया, है ना। चलो अब यहां पे देखो 78 है तो सबसे बड़ा लिखिए पहले, तो 78 फिर क्या हो गया 32, फिर 28 और फिर क्या हो गया 23, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, डी ओ लिख दीजिए, क्लियर। चलो अब देखो बच्चों ए बी सी में सबसे बड़ा क्या है, इसमें 87 है, फिर 76 है, फिर 64, फिर क्या है 48 हो गया, तो हायर टू लोअर दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप यहां पे देखिए सबसे बड़ा 44 है, फिर क्या है 41, फिर क्या है 14, फिर क्या है 11, हायर टू लोअर दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बिग टू स्मॉल बोल दो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब ई में देखिए सबसे बड़ा क्या है 57 है, फिर 43 है बच्चों, फिर क्या है 35 है, फिर 24, मतलब हायर टू लोअर या बिग टू स्मॉल दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहां पे देखिए सबसे बड़ा 44 है, फिर 33 है, फिर 22 है, फिर 11 है, ये हायर टू लोअर दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखिए, नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर इन द गिवन ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे देखो कुछ अच्छा सा फिगर्स बना दिया गया है आपको, और इसमें आपको चेक करना है कि ये जो दिया गया है ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, है ना। और अगर असेंडिंग में है तो ए लिखना है, और अगर डिसेंडिंग में है तो डी लिखना है। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए हम आपको एक फील दिलाते हैं। यहाँ पे देखो वन टेंस और थ्री वंस, एक टेन में जो होता है बच्चों टेन होता है, और वंस में तो आपको पता ही है, तो ये क्या हो जाएगा पहले 13 लिख लीजिए, ये देखो 2 है तो ये 23 हो जाएगा, यहाँ पे 5 टेंस है 5 वंस है तो 55 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 6 टेंस और 3 है 63 है। अब यहाँ पे देखिए 13 है 23 है 55 और 63 है, तो ये क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, स्मॉल टू बिग है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा आपको, है ना, फिर आप अच्छे से फील कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 7 टेंस है और 3 है, 3 वंस तो 73 हो जाएगा, यहाँ पे 5 टेंस है तो यहाँ पे और 3 वंस है तो 53 हो जाएगा, यहाँ पे 4 टेंस है और 3 है तो 43 हो जाएगा, यहाँ पे 3 टेंस है तो 33 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा वैल्यू है, फिर उसके बाद स्मॉल है, फिर स्मॉल है, फिर स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि बिग टू स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 टेंस 8 वंस है तो 48 लिखेंगे, 5 टेंस है 7 वंस है तो 57 हो जाएगा, यहाँ पे 6 टेंस है और 5 वंस है तो 65 हो जाएगा, यहाँ पे 8 टेंस है और 3 वंस है तो 83 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल है, बिग है, उससे बिग है और सबसे बिग है, ये क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 92 है तो यहाँ पे 92 हो जाएगा, यहाँ पे 6 टेंस है 3 वंस है तो 63 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 26, यहाँ पे 21 है सॉरी 1 टेंस है तो 12 हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा स्मॉल 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 राइट, तो ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको लिख लेंगे तो बहुत आसानी से इस फिगर को आप ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने डिटेल समझा कि असेंडिंग का जो की वर्ड होता है स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग का जो स्मॉल वर्ड होता है वो की वर्ड बिग टू स्मॉल। ये दो कॉन्सेप्ट में आपको तीन तरह के क्वेश्चन को फील से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।